हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। हम लोगों ने शॉपिंग क्यों की? क्योंकि रवि की शादी तय हो चुकी है, यानी कि हमारे भाई की शादी, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और उससे पहले हम आपको इस बीच में दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से दरभंगा पहुंचते हैं और लड़की को हम लोग पसंद करते हैं और उसके बाद का प्रोसेस होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये हम पहुंच चुके हैं पार्लर में। तो ये देखिए, ये है पार्लर और हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर करवा चुके हैं और हम करा रहे हैं ये वाला कलर, जिसका पिक हम साइड में आपको दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो पहले ये रूट में देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेकर के पहले वो रूटों में पूरा कलर लगा रही हैं, उसके बाद पूरे हेयर पे कुछ देर वेट करने के बाद वो कलर देंगी। और यहाँ का मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आता है, निखर के आता है। तो अब इसके बाद हो रहा है पूरे बालों का कलर। तो ये देखिए, पूरे बालों का कलर हो चुका है और इसको सूखने में अभी 1 घंटे लगेंगे। तब तक हम 1 घंटा वेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ पलक और मेरी जेठानी भी आई थी, तो पलक ने बोला हम भी हेयर कट करवाएंगे। तो ये देखिए, उसका भी हेयर कट हुआ। उसके कटिंग का हम वीडियो नहीं ले पाए, लेकिन कटिंग के बाद का उसका लुक देखिए कुछ इस तरीके का है। बहुत ही लंबे हेयर थे इसके, लेकिन उसको मैंने बहुत ही छोटा करवा दिया, क्योंकि बच्चों के इतने लंबे हेयर को मैनेज करना और अच्छे से रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आती हेयर वॉश की बारी, जहाँ पे पलक मुझे खिला रही है कुरकुरे, खुद भी खा रही है और मुझे भी खिला रही है। हेयर वॉश करने के बाद आता है इसे ड्राई करने का, ताकि लुक और कलर अच्छे से निखर के आ सके। जब तक होता है ये ड्राई, तब तक हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जब हम रवि के लिए लड़की देखने के लिए आए थे दरभंगा, और दरभंगा किस तरीके से आए थे हम लोग, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पे जाके चेकआउट करें। तो चलिए दिखाते हैं आगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है, तो इसी के लिए हम लोग लड़की देखने के लिए आए हुए हैं दरभंगा। सारी बातें हो चुकी हैं, बस हम लोग लड़की देखेंगे, फिक्स करेंगे, और अगर पॉसिबल होता है तो आज ही के दिन इन लोगों का सगाई मंदिर के अंदर ही कर देंगे। तो इसी के लिए आए हैं। तो बन है ना ब्लॉग इंटरेस्टिंग, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिए। लड़की भी कैसी होती है वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी और उनकी जोड़ी कैसी लगती है? क्यों आज ये चुपचाप है? क्योंकि लड़की देखने के लिए जा रहा है ना, तो एकदम चुप। तो चलिए आगे दिखाते हैं। दरभंगा में एक श्यामा मंदिर बोल के मंदिर है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, वहीं पे लड़की को देखेंगे और पसंद आती है तो एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करेंगे। जैसा कि हम लोगों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक्सचेंज करना रिंग जरूरी है, अगर होता है तो हो जाएगा, अदरवाइज जो भी हम लोग लेके आए हैं लड़की को देख के शादी पक्का किया जाएगा, उसके बाद शादी होगी। कुछ बोलना है? नहीं जी, मिथिला रिवाज में कैसे होता है रिंग सेरेमनी, बेसिकली इट्स नॉट अ रिंग सेरेमनी, बट हाँ हम लोग आए हैं यहाँ पे लड़की देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और अगर बात बनती है तो डेफिनेटली बात होती है। हाँ, आगे जाएगी और इस साल रवि बाबू का शादी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग होती है यहीं से। इससे पहले वो लोग लड़की वाले लोग आए थे कलकत्ता इसे देखने के लिए, तो उन लोगों ने इसको पसंद कर दिया है। हमारे भगर परिवार सब उनको बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो अब चलिए लड़की देखते हैं और मंदिर दिखाते हैं, दरभंगा का भी आपको टूर कराते हैं। तो बने रहिए एंड तक ब्लॉग में। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो रूम, जो कि हमें दरभंगा स्टेशन के बिल्कुल पास में मिल गया, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। और हम लोगों को सिर्फ फ्रेश होने के लिए ही रूम चाहिए अपना था, ताकि हम लोग रेडी वगैरह होकर वहाँ से निकल सके, क्योंकि हमें जाना है श्यामा मंदिर, जो कि दरभंगा स्टेशन से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, और हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर जाने से अच्छा है कि एक कमरा लेकर के वहाँ पर रेडी होकर के उसके बाद हम लोग चलें। तो कुछ इस तरीके का ही इसकी लॉबी है, और वो स्टार्टिंग रेंज इस कमरे की अगर 2-3 घंटे के लिए लेते हैं तो 200 से 300, और पूरे दिन के लिए लेते हैं तो 600 के करीब आता है। तो कुछ इस तरीके का रूम है।
हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो सब रेडी होकर के बात करें कैसे जाना है, क्या देना है, क्या करना है, तो वही सब डिस्कशन चल रहा है। और इधर गुड्डू जी तब तक वीडियो बना रहे हैं। और अभी फ़िलहाल गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, उतना ठंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पंखा भी ज़रूरी है, और छोटा रूम है तो पंखा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं श्यामा मंदिर। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बहुत ही निकट, और यहाँ से ही मंदिर का रास्ता प्रवेश करता है, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी सारी अरेंजमेंट की गई है। तो ये देखिए वही है मंदिर जो श्यामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लड़की और लड़कियों को जो भी देखा देखी का रिवाज हम लोग के मिथिला में होता है वो सब यहाँ पे होते हैं। जो भी आसपास गाँव के लोग हैं जिनके सूटेबल होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और इसके पास में ही बहुत बड़ा पोखर है, मैंने नदी है जिसको हम लोग पोखर बोलते हैं, तो वो भी इस यहाँ पे है जहाँ पे आप हाथ पैर धो करके और मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसियस और काफ़ी बड़ा मंदिर और काफ़ी भव्य मंदिर है। तो चलिए करते हैं भगवान का दर्शन और उसके बाद देखते हैं हमारी होने वाली भाभी को और फिर आगे की रस्म को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी भाभी और यहाँ पे चल रहा है रस्म। पहले लड़के को हमारे यहाँ पे जो भी कुछ देना है लड़की वाले को वो देते हैं, टीका वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर लड़की को दिया जाता है, तो फिर बाद में ये रास्ता तय होता है। और ये है लड़की की माँ जो कि ये सारा विधि कर रही हैं। पहले वही सब कुछ देंगी लड़के को, उसके बाद जो भी लेडीज़ आई हुई हैं लड़की वालों की तरफ से वो सारी लेडीज़ एक एक करके भाई को आशीर्वाद देंगी। लड़की को देने के बाद अब बारी आती है लड़की की, उसको हम लोग टीका वगैरह लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे का रस्म किया जाएगा। चूँकि दीदी बड़ी हैं तो सबसे पहले दीदी आई हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग टीका लगाएंगे और जो भी कुछ देना है वो हमारी होने वाली भाभी को देंगे। हमारी भाभी प्रॉपर जनकपुर से बिलोंग करती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दरभंगा में देखने के लिए उन्हें आए हैं, क्योंकि डिस्टेंस जनकपुर और कोलकाता का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें दरभंगा में ही आके देख लिया जाए। और शादी भी रवि के गांव से ही हम लोग करने वाले हैं, जो पूरे मिथिला के रीति रिवाज के साथ किया जाएगा।
क्योंकि हम लोग सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, जहाँ की सीता जी है वहीं से, तो पूरे विधि विधान से ये शादी संपन्न की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से दरभंगा आकर के हम लोगों ने लड़की को देखा और हमारे भाई की शादी फिक्स हुई। अब बारी आती है हमारे तरफ की। चूँकि मम्मी नहीं आई हुई हैं तो दीदी सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले शुरुआत वही कर रही हैं। उसके बाद एक एक करके हम तीनों बहनें, देन पापा आते हैं और पापा अपना आशीर्वाद अपनी होने वाली बहू को देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद अब ये दोनों सबको, जितने भी बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करेंगे। आप लोग भी वाया वीडियो इन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग लड़की को देखने के लिए दरभंगा गए, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, और हमारा जाना सफल हुआ और हमारे भाई की शादी फिक्स हुई। तो यहाँ पे अब आता है वो दिन जब हमें शादी के लिए जाना है गांव, और गांव जाने से एक दिन पहले हम यहाँ पे लगवा रहे हैं मेहंदी। मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जा करके टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग शादी के दो दिन पहले ही जा रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा काम हो जाएगा, संगीत वगैरह भी रहेगा, तो इसीलिए हम पहले ही यहाँ से लगवा के जा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरीके से मेहंदी लगवाने वाले को हम बुलाए हैं। थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है तो उसे अवॉइड कीजिए। हमारी जेठानी भी आई है मेहंदी लगाने के लिए। तो चलिए लगाने के बाद दिखाते हैं आपको हमारे मेहंदी का लुक। और ये देखिए मेरी जेठानी का मेहंदी, और ये रहा मेरी मेहंदी का डिज़ाइन। ये देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। तो